तो भाई साहब अभी हम आपको बताते थे हमारा होली का प्लान क्या है। वैसे होली हम यहीं पे ही कल खेलने वाले हैं। ये भाई साहब हमने सुई ली है, पागल होने वाली है इसके लिए। तो हमको भाई साहब यहाँ पे दिवेश मिल गया है। ये रहा दिवेश। और दिवेश भाई साहब आप लोग कमेंट करके बताओ वो बंदा दिवेश जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये रहा दिवेश। तो भाई साहब आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा, लास्ट वाले ब्लॉग में हम इधर आ गए थे। अभी आ जाए रोहित के बाल कटाने के लिए और आयुष के बाल कटाने के लिए। आयुष के उधर बाल कट रहे और रोहित के हम सोच रहे हैं भाई कैसी स्टाइल कटाए। मैं तो बोलते एकदम पतला होगा, मस्त लगेंगे एकदम छोटे छोटे बाल एकदम खत्म। या फिर पता है क्या कर, यहाँ साइड से कटा ले और ये पूरे ऊपर खड़े कर दो। ये कट गए भाई साहब आयुष के बाल। खराब है। तो ये भाई साहब हमको अभी शाम हो गई है, मतलब इसके बाल कटाए, रोहित ने अपने बाल कटाए। तो मैं अगर आपको बता दूं तो रोहित जो है वो मेरी मौसी का लड़का है और ये मेरी भाभी का लड़का है। तो इन दोनों को आज कटाने थे क्योंकि कल हम सारे के सारे, मतलब ये मैं और ये तीनों लोग हम जाने वाले कल नानी के यहाँ। तो भाई साहब थोड़ा बाल बाल कटाना ज़रूरी था, हमको तो ज़रूरत नहीं। मेरे बाल आपको पता ही है इतने इतने हैं, मेरे को बाल कटाने की ज़रूरत नहीं है। दाढ़ी मैंने सेट करा ही रखी थी। कल हम जाने वाले आज शाम को तो यहीं रहेंगे। बाकी अभी सब्ज़ी मार्केट से सब्ज़ी लेनी है और भी घर के लिए कुछ कुछ सामान लेना है। हाँ बताओ, कहाँ बताओ रहा बताइयो। कुछ नहीं भाई। कुछ नहीं भाई, ये कौन सी भाषा है? क्या भी भाई, हम तो बाराबंकी में आए हैं। चलियो कि ना चलियो, बता रहे हैं ना। अभी तो दो चाबी की के लगे है बे। तुम नहीं जाना थे के पास चाबी है? गुंडा ही बता दोगे तो बारह मेरे पास नहीं ना करे। क्या पर्चा दिया है भाई साहब मौसी ने लिख के जो जो सामान लाना है। और ये भाई साहब ना ये झोला लेके आया है ना ये झोला लेके आया है। ये झोला नहीं, इसमें मेरा शर्ट है। मैंने अपनी शर्ट को फिटिंग कराना था हमको, तो वो शर्ट फिटिंग कराने के लिए भी लाया था भाई साहब, जो मैं होली वाले दिन पहनूंगा। सवारी दिखाते हैं आपको, हमारी सवारी। ये नहीं, ये गाड़ी चलाने में फिर नहीं दे सकता भाई साहब। ये चलाने में किसी को नहीं देता, जब तक मैं इधर चलाता मैं ही हूँ इसको। ये भाई साहब जा रहे रोहित सामान लेने के लिए, मैं नहीं आ रहा भाई साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं नहीं आ रहा। ये यहाँ से नहीं लेना तुम, वहीं से भाई फिर को आ रहे हैं हम लोग। बेचारे आयुष को छोड़ दिया भाई साहब, ये कितना गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है ये। आयुष को छोड़ दिया है। जूते जूते नहीं ऐसा मत बोल, घर जाना पड़ेगा वापस अगर लिस्ट खो जाएगी तो। भाई साहब इसको देख लो, इसने पन्नी इतनी सारी इकट्ठी कर ली है, सब ले लिया, एक बैग नहीं ला पाया ये करते। अब देखना ये उठाएगा कैसे। अभी तुम साहब ये रोहित ले रहा था यहाँ पे केले, फिर केले वाले भाई साहब बोलते हैं मेरा ठेला दिखा दो। तो देख लो भाई साहब इनका ये ठेला है और यहाँ पे ये फल बेचते हैं। आलापुर की बाजार है ना ये? जी आलापुर की बाजार। आलापुर की बाजार है भाई साहब। हैं नाम क्या है? नाम हमारा मोहम्मद इब्राहिम है। मोहम्मद इब्राहिम भाई की ये दुकान है आलापुर में, बाराबंकी में। चले उठाओ फिर ये। ये भाई साहब हमने सुई ली है, पागल होने वाली है इसके लिए। ये पागल हो गया, इसको सुई लगाएंगे हम लोग। ये या तो आयुष को लगा दें। हैं आयुष को यहाँ मज़े नहीं आ रहे, मज़े तो इसको कल आएंगे होली वाले दिन, जिस दिन होली है उस दिन इसके मज़े होंगे। वैसे ये जो सुई हमने ली है हमारी गाय है भाई साहब, गाय को मतलब वो कुछ कीड़े पड़ गए, तो ये दवाई इसमें भर के उसको वहाँ पे लगा देंगे तो वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। चले सर। हैं सर जी मिशन कम्प्लीट। मिशन कम्प्लीट, कुछ नहीं लेना है ना, रवा लेना है बेटे। मेरी वजह से बचा है ये। तो भाई साहब अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम आए हैं हमारे गांव, मतलब नानी के यहाँ आ गए हैं। कल रात तक आपने देखा होगा मैं और ये बहुत पीछे चल रहा है, हम गए थे इसके बाल बाल कटाने के लिए। और आज मतलब मैं यहाँ पे दोपहर में आ गया था तो कुछ भी ब्लॉग बनाया नहीं। बाकी अभी खेत में सैर कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो खेत दिख रहा है ना पूरा का पूरा, इसमें आलू लगा हुआ है भाई साहब। इधर आलू लगा हुआ है और उधर लगी हुई है सरसों। भैया दिखा दो भाई साहब। बड़ी भाई साहब बहुत परेशान है। नाम बताओ। बाप का नाम? अरे बाप का नाम के पापा का नाम साले। बाप का नाम के पापा का नाम? ऐसे है भाई साहब हमारे गांव के बच्चे हैं, देख लो। ये आपको आलू दिख रहे होंगे भाई साहब, ये इधर वाले खेत के आलू निकाल चुके हैं, खोद लिए हैं इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। बाकी ये वाले निकालने बाकी है अभी, ये सारा पूरा दिख रहा होगा आपको। होली खेलना कि नहीं खेलना? रंग लाए? कौन कौन से कलर बताओ? अरे अरे यार ये का पकड़ रहे यार। तो भाई साहब अभी हम आपको बताते थे हमारा होली का प्लान क्या है। वैसे होली हम यहीं पे ही कल खेलने वाले हैं। बाकी एक सीन हो गया है गांव में, मतलब डीजे हम लाने वाले थे लेकिन अभी
कुछ हो गया है, अभी मैं वो आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा क्या हुआ, जिसकी वजह से मतलब डीजे का प्लान लगभग तो कैंसिल हो गया है भाई यार। क्यों मतलब किसी के घर में दुख हो जाता है और फिर वैसा गांव में डीजे लाके बजाना तो थोड़ा सा क्या अच्छा नहीं रहता, जिसकी वजह से हो सकता है कैंसिल। बाकी कोई पक्का नहीं है कि कैंसिल हो कि ना हो, लेकिन ज़्यादातर 90% चांस है भाई साहब डीजे वाला प्लान कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी 10% चांस है आने के सिर्फ। बाकी तो देखते हैं, अगर आया तो बढ़िया है। गाँव में सब साथ में खेलते हैं, किसी एक का परिवार अगर दुखी है तो भाई सब समझ रहे हो ना, गाँव में तो भाई ऐसा ये हो नहीं पाएगा भाई साहब। तो बस बाकी का अब अपन आपको बताते हैं अगले व्लॉग में, ये व्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना, कमेंट करना है। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, नए व्यूअर हो, तो हमारे और भी जाके वीडियोस देखो। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अपन मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I'm so happy.